डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट या फ्लावर, प्लस टू बायोलॉजी पार्ट 7। इन दिस लेक्चर वी कवर अबाउट सीड, फ्रूट, एपोमिक्सिक टेक्निक एंड द पॉलीम्ब्रोनी टेक्निक, दैट इज अ स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ ए रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट हमने सब कुछ पहले स्टडी कर लिया, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर ली। इसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इम्ब्रियो के बारे में बता दिया, कैसे कैसे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। भाई जायगोट से इम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, आपको पता, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान हमारा एंडोस्पर्म बनता है। और इसके बाद में यदि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज की बात करें तो प्लांट के अंदर, फ्रूट के अंदर ओवल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो इस लेक्चर के अंदर ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, सीड की फॉर्मेशन और आपका फ्रूट की फॉर्मेशन। टेक्निकली सीड क्या है? फर्टिलाइज जो ओवल्स होता है, फर्टिलाइज्ड ओवल्स होता है, कन्वर्ट इनटू सीड में बदलता है। स्टूडेंट, सीड के पास क्या क्या पार्ट होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी कोई सीड होगा उसके पास बाहर एक छिलका पाएगा जिसे हम बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। और उसी सीड कोट को यदि उतार दें तो खाना स्टोर होता है, गोदाम होता है खाने का, जिसे हम बोलते हैं कोटिलिडोन। इसके बाद में आपका रहता है इम्ब्रियो, ठीक है, इम्ब्रियोनल एक्सिस भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इम्ब्रियोनल एक्सिस भी बोल सकते हैं, इम्ब्रियोनियल एक्सिस। ये पार्ट होते हैं स्टूडेंट सीड के। सीड जो होता है, व्हाट इज ए सीड, फर्टिलाइज्ड ओवल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। ये फाइनल स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फाइनल स्टेप है स्टूडेंट किसके लिए, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, इसके बाद में ये बताया कि सीड के अंदर कोटिलिडोन पाया जाता है और कोटिलिडोन के अंदर बहुत ज़्यादा खाना होता है, फूड मटेरियल रिजर्व होता है, फूड मटेरियल। ओके, क्योंकि अब आगे आपका जो डेवलपमेंट होगा उसको, सीड का जो डेवलपमेंट होगा प्लांट में, सीडलिंग के अंदर, तो फूड मटेरियल चाहिए, तो वो कोटिलिडोन प्रोवाइड करेगा इम्ब्रियो को। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर फूड मटेरियल जो है रिजर्व रहता है, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। लेकिन मेज के केस में हम कोटिलिडोन को हम स्केटलम के नाम से जानते हैं। मेज का जो सीड है, इसको नोट करें बेटे, जो आपका मेज का जो सीड है उसमें हम कोटिलिडोन शब्द नहीं रखेंगे, उसमें हम स्केटलम के नाम से जानते हैं। कोटिलिडोन को हम स्केटेलम के नाम से, कोटिलिडोन को हम स्केटेलम के नाम से जानते हैं, इस बात को नोट करें। स्केटेलम में खाना स्टोर होता है, ठीक है स्टूडेंट। हमने इसके बाद में यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आपका दो प्रकार का सीड होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका एल्ब्यूमिनियस फूड सीड हो गया हमारा, एक हो जाता है नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, एल्ब्यूमिनियस सीड, और दूसरा हो गया बेटा आपका नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, ठीक है। दो प्रकार का सीड है, इसमें थोड़ा है याद रखने की बात है, एल्ब्यूमिनियस सीड और आपका नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, एल्ब्यूमिनियस एंड नॉन एल्ब्यूमिनियस, यहाँ पर एन आएगा स्टूडेंट, नॉन एल्ब्यूमिनियस। ओके, तो एल्ब्यूमिनियस नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, थोड़ा याद करने का है। इसमें नॉन एल्ब्यूमिनियस में नै की आवाज़ आ रही है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, उसका हम यूज, वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है ना। एंडोस्पर्म से आगे आपका इम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर एल्ब्यूमिनियस सीड जो होता है उसमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस होती है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, ए सीड विद नॉन रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जिसमें पाया नहीं जाता एंडोस्पर्म, बचता ही नहीं है, जैसे पी के अंदर,
ओके एंडोस्पर्म नहीं बचता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनियस, जिसमें एल्ब्यूमिनियस है, जिसमें एंडोस्पर्म बचता है उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनियस। इसका एग्जांपल है वीट, वीट और मेज, वीट और मेज बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। वीट और मेज दो प्रकार का सीड है, एल्ब्यूमिनियस और नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड्स। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं स्टूडेंट, यहीं पर देखो, कुछ सीड ऐसे होते हैं उनके अंदर न्यूसिलस सेल बने रहते हैं। ठीक है, ये पीएमटी का क्वेश्चन बचा कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूसिलस सेल, देखो मैंने आपको बताया था न्यूसिलस सेल में न्यूट्रिएंट होता है, वहाँ पर जो आपका एम्ब्रोसैक होता है उसके इगल बिगल में पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, डेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, काफ़ी चीज़ें, न्यूसिलस सेल। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसिलस सेल बना रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पम। पेरिस्पम जैसे काली मिर्च होती है ना, एग्जाम्पल इसका है बेटा ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर, ठीक है, काली मिर्च का एग्जाम्पल। इसमें आप न्यूसिलस पाया जाता है ब्लैक पीपर के अंदर, ओके। दूसरा एग्जाम्पल और भी है, बीट, बीट बीज का एग्जाम्पल है, इनमें न्यूसिलस सेल पाया जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर मैंने बता दिया कि एंडोस्पर्म पाया जाता है तो उसे हम एल्ब्यूमिनियस सीड कहते हैं, यहाँ पर न्यूसिलस सेल बना रहता है सीड के अंदर तो हम कहेंगे उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ओके। मैच्योरिटी के बाद में आपको पता है सीड के अंदर वाटर कॉन्टैक्ट जो हो जाता है कम रह जाता है और सीड को लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। सीड जो है अपने जेनेटिक मेकअप को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता रहता है, यानी कि पैदावार देता रहता है, वही पैटर्न चलता है। सीड जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। दो चार बातें सीड के बारे में और सुनिए। सीड जो है उसकी बाहर की कवरिंग जो होती है सीड कोट की, वो एक टेस्टा होती है, एक टैगमैन होती है, टेस्टा और टैगमैन, ये प्रोटेक्शन के काम आती है, प्रोटेक्शन के। ये दो छिलके होते हैं, जैसे चने का हमने देखा है प्लांट, चने का बीज देखा है हमने, उसमें छिलका होता है, छिलका कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग होती है उसे हम टेस्टा कहते हैं, अंदर की कवरिंग होती है, दो मेम्ब्रेन है, दो झिल्ली है, उसे टैगमैन कहते हैं। तो सीड कोट के बारे में बता दिया हमने, कोटिलिडोन के बारे में बता दिया, एम्ब्रियोलिसिस के बारे में बता देंगे। उसमें पता है एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल और पलमूल पाया जाता है, रेडिकल से आपका रूट बनता है, पलमूल से आपका शूट बनता है। स्टूडेंट अब इसके बाद में आपका आ जाता है सीड के बाद में फ्रूट, फ्रूट आ जाता है। कुछ सीड तो बेटा ऐसे हैं जो लंबे समय तक वाइबल हैं, आज तक उनकी डेथ नहीं हुई है। वाइबिलिटी का मतलब होता है जीवन काल, उनको लंबे समय तक उनका जीवन काल है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, सबसे ओल्डेस्ट वाइबल सीड है लुपिन का, ओके, लुपिन का सबसे ओल्डेस्ट वाइबल सीड है। काफ़ी हैं हमारे पास, कुछ पैरासाइटिक स्पीसीज भी है, ओरोबेंची, ओरोबेंची पैरासाइटिक स्पीसीज है, ये भी आपका वाइबल सीड रखती है। डेट पाम, डेट पाम का देखो 2000 ईयर पुराना वो ओल्ड वाइबल सीड है डेट पाम, ओके। तो इसके बाद में स्टूडेंट हमारा आ जाता है फ्रूट। देखो मैंने बताया था ओवल से सीड बनता है तो ओवरी से क्या बनेगा आपका फ्रूट, मैच्योर ओवरी जो है वो कन्वर्ट होकर बदल जाएगी फ्रूट के अंदर। पहला पॉइंट तो इसमें यही आ गया बेटा। फ्रूट जो होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैच्योर ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, और ओवरी की जो वाल होती है, देखिए ओवरी की जो वाल है भाई, एक तो ओवरी होगी और ओवरी जिसके अंदर स्टोर है झिल्ली है, ओवरी की वाल जो होती है वहाँ पर पेरिस्पर्म था, ये पेरिकार्प है, नोट कर लेना बेटा। न्यूसिलस सेल जो होते हैं वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये पेरिकार्प में कन्वर्ट होंगे, पेरिकार्प, पेरिकार्प झिल्ली होती है बाहर की, ओके, प्लस वन में हमने पढ़ा है। तो ओवरी फ्रूट में बदलती है, ओवरी वाल्स आपकी पेरिकार्प में बदलता है। फ्रूट आपका यहाँ पर है तीन प्रकार का ले लीजिए, एक तो ट्रू फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, ठीक है, दूसरा आपका है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये आपका एनसीईआरटी चल रहा है बेटा। ट्रू फ्रूट जो होता है
वो कहाँ से पैदा होता है? ओवरी से पैदा होता है। यदि फ्रूट की फॉर्मेशन ओवरी से हुई है, या हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी से हुई है, तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा। यानी कि ओवरी से यदि फ्रूट का बनना है या सुपीरियर ओवरी से बनना है, तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ये कह सकते हैं द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी नोन एज ए ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ओवरी से जो फ्रूट बनेगा उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, पी के अंदर। ओके, ये आपका पी के अंदर है, वीट के अंदर, मेज के अंदर। ओके, अगला बता रखा है ट्रू फ्रूट के बाद में आपका फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल जो है वो है बेटा आपका एनसीईआरटी के हिसाब से एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और ये काजू है भाई, केसो। ठीक है, ये काजू हैं। मैं कहने का मतलब ये है ये फॉल्स फ्रूट हैं। ये ओवरी के अलावा जैसे कोई फूल का पार्ट है थैलामस, क्या बताया मैंने, थैलामस और भाग से डेवलप होते हैं। ये सुपीरियर ओवरी से, ये इन्फीरियर ओवरी से, इन्फीरियर ओवरी से पैदा होते हैं। यानी कि ओवरी से अलग पार्ट से थैलामस, थैलामस, ये थैलामस से पैदा होते हैं। ओके, तो एप्पल थैलामस से, आप जो एप्पल का फ्रूट खाते हो थैलामस से फूल का पार्ट है। द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी या थैलामस या अदर पार्ट ऑफ फ्लावर नोन एज ए आपका फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। पार्थनोकार्पिक फ्रूट, एक ऐसा फल जिसको बगैर फर्टिलाइजेशन पैदा किया जाता है, उसमें सीड नहीं मिलते। देखिए बेटा पार्थनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट पैदा होता है तो उसमें ओवल्स होगा, ओवल सीड बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट सीडलेस होता है, सीडलेस, जिस फ्रूट को बनाने के लिए हमें प्लांट हार्मोन का यूज करना पड़ता है, एक्जिन, एक्जिन एक प्लांट हार्मोन है, उसका यूज करते हैं। ये तीन बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं कि भाई पार्थनोकार्पिक फ्रूट को हम ग्रोथ हार्मोन से पैदा करते हैं, इसमें सीड नहीं पाए जाते और ये फ्रूट जो होता है बगैर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये हमने फ्रूट के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले सीड के बारे में पढ़ लिया। तो अब इसके बाद में स्टूडेंट एक स्पेशल मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का है, जिसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिक पॉलीम्बरोनी। ठीक है, ये दो मैकेनिज्म है आपके, स्पेशल मोड है रिप्रोडक्शन के, स्पेशल मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का है, आप समझ सकते हो। देखो बेटे, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई एक नया रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा जिससे कि हम उस प्लांट को की ग्रोथ करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टेक्निक आ गई आपकी, एपोमिक्सिक और पॉलीम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिक एक ऐसी टेक्निक है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, लेकिन मिलती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। दिस इज ए फेनोमेना ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मैच विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटे इस बात को पहले नोट कर लीजिए, एपोमिक्सिक, एपोमिक्सिक एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, मैच किससे करता है, ये नकल रखता है, मैच करता है, किससे मैच करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मैच करता है। स्टूडेंट नोट कर लिया जाए, ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सीड बनता है, क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीड पैदा करते हैं। भी प्लांट के अंदर ऐसी टेक्निक हैं जिनके अंदर हमारा सेक्सुअल स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्पेशल मैकेनिज्म है, स्पेशल टेक्निक है। तो देखिए एपोमिक्सिक जो टेक्निक है उसके अंदर हम विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन
और विदाउट रिडक्शनल डिविजन्स, विदाउट मियोसिस, हम ये कह सकते हैं विदाउट रिडक्शनल डिविजन, विदाउट मियोसिस, हम वहाँ पर सीड पैदा करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, हम यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन करते हैं, सीड फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट, ओके। आप ये कह सकते हो कि एपोमिक्सिक एक ऐसी टेक्निक है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी है, ठीक है, जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन हम सीड की फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं? डिप्लॉइड सेल से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? डिप्लॉइड सेल से। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट रिडक्शनल डिविजन, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो वे हैं हमारी एनसीईआरटी के अंदर। एक तो हमारे पास है डिप्लॉइड एग, दूसरा है बेटा हमारे पास, इसमें 2n नंबर क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे डिप्लॉइड हमारे पास है न्यूसिलस सेल, न्यूसिलस सेल, ये भी डिप्लॉइड है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम देख इनका यूज करते हैं और यहां पर हम सीड, सीड की फॉर्मेशन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सीड की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे किया हमने, डिप्लॉइड एस जो एग है उसमें हम रिडक्शनल डिवीजन नहीं करते, उसको डायरेक्ट हम इम्ब्रियो में डेवलपमेंट कर लेते हैं, डायरेक्ट इम्ब्रियो में, ठीक है। हम इसमें न तो हम फर्टिलाइजेशन करते, न तो हम फर्टिलाइजेशन करते इसमें, न ही हम मियोसिस करते, मियोसिस भी हमने नहीं किया है, ये न ये प्रोसेस किया है, न ही हमने फर्टिलाइजेशन किया है। इस डिप्लॉइड एग सेल को डायरेक्टली हम इम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इम्ब्रियो के पास रेडिकल होता है, पलमूल होता है, उसी से आपका सीड बनता है, यही मेन पार्ट है। तो हमने न तो फर्टिलाइजेशन की, न मियोसिस किया, हमने डिप्लॉइड सेल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया इम्ब्रियो के अंदर। तो दिस इज ए स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही आपका न्यूसिलस सेल होता है, वो डिप्लॉइड होता है, उसमें डिवाइजन डिवीजन होता है, उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करता है, किसके अंदर? इम्ब्रियो के अंदर। न्यूसिलस सेल जो है ये भी आपका इम्ब्रियो के अंदर डेवलप करता है विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट मियोसिस, ठीक है, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये केस किसका है बेटा? ये आपका सीट्रस फ्रूट का, इसका एग्जाम्पल है सीट्रस फ्रूट, सीट्रस फ्रूट, सीट्रस फ्रूट और मैंगो फ्रूट, ठीक है, ये हम बता दिया, इसका एग्जाम्पल हमने सीट्रस, यानी कि एपोमिक्सिक जो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम सीड का डेवलपमेंट करते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन, बगैर आपका मियोसिस। देखिए क्या बता रखा है, एपोमिक्सिक इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मैच विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एपोमिक्सिक के बारे में फेनोमेना जो क्लासिफाई किया था वो महेश्वरी ने किया था, महेश्वरी, महेश्वरी, महेश्वरी ने सबसे पहले इस फेनोमेना के बारे में बताया था, ओके। अगला इन्होंने ये बता रखा है कि बेटा एपोमिक्सिक सीड जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, लेकिन ये है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन्स। एपोमिक्सिक सबसे कॉमन हमने दो जगह देखी, एक तो ग्रास के अंदर, ये टेक्निक कहाँ देखी बेटा? ग्रास के अंदर और एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर, ये एनसीईआरटी बातें हैं आपकी, एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर, ग्रास में और एपोमिक्सिक हम यहाँ देखते हैं। सीड पैदा होता है बगैर फर्टिलाइजेशन के, एग सेल डिप्लॉइड होता है, उसको मियोसिस के बगैर हम सीड में कन्वर्ट कर देते हैं, सीट्रस में भी ऐसा ही करते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एपोमिक्सिक सीड जो होता है ना, ये सीड बड़ा अच्छा होता है, महंगा होता है। यदि एक बार मार्केट में अभी सीड को ले आते हैं तो इसकी जो पैदावार होती है, वही सीड जो है एक बार लाने से वो 8-10 बार तक वही सेम प्रोडक्शन देता है। नॉर्मल सीड लेके आते हैं तो पहली बार ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उसको दोबारा बोते हैं तो कम होती है, फिर दोबारा बोते हैं तो और कम होती है। तो एपोमिक्सिक सीड होता है महंगा होता है, और ये जो अपने जेनेटिक करेक्टर को ना लॉस नहीं होने देता, उनको बांध के रखता है। तो एपोमिक्सिक सीड की ये खास बात है, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद में आ गया बेटा आपका पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है ये आपको पता भी लग गया होगा, सीड के अंदर इम्ब्रियो पा जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी, लेकिन एक से ज़्यादा इम्ब्रियो होंगे तो आपकी कंडीशन बन जाएगी पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी। अगली कंडीशन है बेटे पॉलीएम्ब्रियोनी, देखिए क्या बता रखा,
पोली इम्ब्रियोनी के बारे में क्या बता रखा है? एक इम्ब्रियो है उसमें एक से ज्यादा एक सीड है, एक क्या हमारे पास है सीड, उसमें एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाए जाते हैं। द अकरेंस ऑफ ए मोर देन वन इम्ब्रियो इन ए सीड नोन एज ए पोली इम्ब्रियोनी। पोली इम्ब्रियोनी, ठीक है ना, ठीक है ना, सीड के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा, मोर देन इम्ब्रियो, एक से ज्यादा, मोर देन इम्ब्रियो पाए जाते हैं सीड के अंदर, एक से ज्यादा, ठीक है। द अकरेंस ऑफ ए मोर देन वन इम्ब्रियो, अकरेंस ऑफ ए मोर देन वन इम्ब्रियो, एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोली इम्ब्रियोनी। अब बता रखा है कि पोलीम्ब्रियोनिक सीड हम कैसे बना सकते हैं, वे ऑफ ए फॉर्मिंग ऑफ ए पोलीम्ब्रियोनिक सीड, ये इंपॉर्टेंट है। द वे ऑफ फॉर्मिंग ए पोली इम्ब्रियोनी सीड कैसे बना सकते हैं, तीन तरीके हैं बेटा पोलीम्ब्रियोनी सीड बनाने के लिए। कंडीशन क्या है पोलीम्ब्रियोनी की, उसमें जो इम्ब्रियो होते हैं उसमें एक से ज़्यादा होने चाहिए, ओके, यही बात है सीड के अंदर। तो पहली कंडीशन क्या है, देखिए पहली कंडीशन ये है कि स्टूडेंट कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ए मोर देन वन वन एम्ब्रोसैक्स इन एन ओवल्स, ओवल्स के अंदर हम एम्ब्रोसैक की संख्या को बढ़ा दें। फॉर्मेशन ऑफ ए मोर देन वन इम्ब्रियो इम्ब्रियो इन ए मोर इम्ब्रियो इन एन ओवल्स, ओवल्स के अंदर हम इम्ब्रियो की संख्या बढ़ा दें। एक तो ये कंडीशन है, इम्ब्रियो की संख्या बढ़ा दें तो आपका पोली इम्ब्रियोनी कंडीशन बन जाएगी। दूसरा स्टूडेंट ये बता रखा है यहाँ पर ए फॉर्मेशन ऑफ ए मोर देन वन एग एम्ब्रोसैक के अंदर, मोर देन वन एग, एग को बढ़ा दें किसके अंदर, एम्ब्रियोसैक, आपको पता है एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर, उसमें एग ज्यादा होंगे तो पोली इम्ब्रियोनिक कंडीशन पैदा हो जाएंगी, ठीक है ना, ज्यादा इम्ब्रियो होंगे तो मोर देन वन एग इम्ब्रियो के अंदर, इम्ब्रियो सैक के अंदर बढ़ जाए। या डेवलपमेंट ऑफ ए सेल, डेवलपमेंट ऑफ ए सेल इनटू द इम्ब्रियो, जैसे हम ये डेवलपमेंट कर दें सेल का, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ ए सेल इनटू द इम्ब्रियो, सेल जो है वो इम्ब्रियो के अंदर डेवलप कर दे, पोली इम्ब्रियोनिक कंडीशन बन जाएगी इस प्रकार से। कौन कौन से सेल है बेटा, न्यूसिलस सेल, सिनर्जिड सेल, न्यूसिलस सेल एंड द सेल ऑफ ए एंटीगुमनेट, डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्स, देखिए बेटा सिनर्जिड, न्यूसिलस, एंटीगुमनेट, ठीक है, तीन सेल हैं। एक तो है आपका सिनर्जिड्स सेल, दूसरा आपका न्यूसिलर सेल, न्यूसिलर सेल, और तीसरा आपका एंटीगुमनेट। ये सेल हैं, इनको डायरेक्टली हम इम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये वे हैं पोलीम्ब्रियोनी बनाने की, पोलीम्ब्रियोनी जो है फॉर्मेशन टेक्निक को बनाने की, ठीक है। मोर देन वन इम्ब्रियो इन ए सीड नोन एज ए पोलीम्ब्रियोनी। और भी हम कुछ बता सकते हैं इसके अंदर, यदि एक इम्ब्रियो के अंदर ओवल्स की संख्या ज़्यादा है, ओवल्स हैविंग ए मोर देन वन, ओवल्स हैविंग ए मोर देन वन इम्ब्रियो, ठीक है, सीड के अंदर भी ओवल्स होता है, हमने सीड के बता दिया, यहाँ पर ओवल्स भी लिख सकते हैं हम, ओवल्स, एक ऐसा ओवल जिसमें एक से ज़्यादा इम्ब्रियो पाए जाते हैं, एक ऐसा सीड जिसमें एक से ज़्यादा आपके इम्ब्रियो पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसे हम बोलते हैं पोली इम्ब्रियोनी, ठीक है, नाम से इंडिकेट हो रहा है। तो स्टूडेंट हमने स्टडी कर लिया सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, एपोमिक्सिक टेक्निक और पोली इम्ब्रियोनी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसमें एक लेक्चर आपका बनेगा डाई कोट इम्ब्रियो मोनोकोट इम्ब्रियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टडी नाउ।